रहे हैं कि कुछ रिएक्शंस हैं जिनका नाम होता है, जैसे उन रिएक्शंस को आप लोग लेते हो किसके अंडर, किसके अंडर लेते हो आप लोग? हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर। किसके अंदर? हेलोजन एक्सचेंज। ये एक्सचेंज हेलोजन की दो टाइप से होती है, दो रिएक्शंस होती हैं। पहली रिएक्शन है आपकी फिंकलस्टन रिएक्शन। कौन सी? फिंकलस्टन रिएक्शन, ठीक है। फिंकलस्टन रिएक्शन में होता क्या है ये समझा देता हूँ मैं आप लोग को। देखो, फिंकलस्टन रिएक्शन में होता है आपका कोई भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड की, प्राइमरी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, अगर रिएक्शन किसके साथ करवाते हो? एल्कली मेटल के साथ। किसके साथ? एल्कली मेटल आयोडाइड के साथ, ठीक है, एल्कली मेटल आयोडाइड के साथ। तो आपका क्या मिलता है वो समझना, वो क्या मिलता है? दैट लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द हेलोजन वाया SN2 रिएक्शन विद दिस वन दिस वन। अब देखना, समझना एक बार के लिए, बहुत अच्छे से समझना है आपको। पहली बात तो क्या है, आपके पास प्राइमरी एल्किल हैलाइड होना चाहिए। प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसको बोलते हैं, समझाता हूँ मैं, देखना। देखो, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहने का मतलब क्या है, कोई भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल है CH3, CH2 और आप मान लीजिए आपके पास Cl है, ठीक है। ये है आपका 1 डिग्री, ये भी क्या है आपका 1 डिग्री, ठीक है। अब ये 1 डिग्री इसलिए है किसकी, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है, एक कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाते हो, बोलता है किसी भी मेटल, क्या बोलता है, इसकी रिएक्शन एल्किल मेटल आयोडाइड के साथ करवाते हो, अगर इसकी रिएक्शन एल्किल मेटल आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? मेटल आयोडाइड का मतलब मान लीजिए Ki है, Ki के साथ मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, ठीक है। और Ki के साथ अगर रिएक्शन करवा रहा हूँ, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन एक सॉल्वेंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया? एसीटोन एक सॉल्वेंट ले लिया। अगर मैंने एसीटोन सॉल्वेंट ले लिया है तो ये बोलता है कि ये जो हैलाइड है ना, ये हेलोजन है ना Cl, और ये जो आयोडाइड है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। अगर एक्सचेंज करेंगे तो बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, बनेगा क्या आपका? CH3 है ना, CH2 और I बनेगा आपका, ठीक है। ये तो आपका प्रोडक्ट बन गया, लेकिन एक बात है कि इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी ये जानना है हमें। अगर ये जानना है हमें इसकी मैकेनिज्म कौन सी होगी, तो हम क्या करेंगे देखना, आइदर ये फॉलो करेगा SN1 को या करेगा SN2 को। आपको पता है SN1 कौन सी रिएक्शन होती है, बताता हूँ। SN1 वो वाली रिएक्शन होती है, मान लीजिए आपको दे दिया CH3 और CH2 और कोई X ग्रुप दे दिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट है, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट, कौन सा प्रोटिक सॉल्वेंट है? प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं, जो कि प्रोटॉन को जनरेट करते हैं। ऐसे में अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं, इस वाली की रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या जनरेट करता है, इंटरमीडिएट CH3 CH2 पॉजिटिव जनरेट करता है। अगर ये पॉजिटिव जनरेट करेगा तो आने वाला जो अटैकिंग सब्सटेंस होगा, जिसको कि आप रिएजेंट बोलते हो, वो भी क्या करेगा, एक नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। और आपका ये, इसको बोला जाता है SN1 प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, SN1 प्रोसेस, क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ऐसा ना हो कभी, अगर ऐसा ना हो और आपका मान लीजिए CH3 CH2X दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे बॉन्ड की क्या होती है, पोलैरिटी होती है, क्या होती है, एक बॉन्ड की पोलैरिटी। अगर आप एसीटोन की उसमें करते हो, नॉन प्रोटिक है ना एसीटोन, तो ये बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आते हैं और डेल नेगेटिव यहाँ बनाते हैं, और डेल पॉजिटिव कहाँ बनाते हैं, यहाँ पे। अब जो आप के आई को लेके आ रहे हो, के आई में आई के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, कौन सा है इसके पास है आपका, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज ये आई माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर चले जाएगा, और आपका क्या बनेगा, CH3 CH2 और आई बन जाएगा आपका, ठीक है। अब एक बात आती है कि इनकी स्टीरियो क्या होगी, स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल में इनका स्ट्रक्चर क्या रहता होगा। तो देखो, इसमें हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, और आपके सामने कोई एक्स लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे से वाई आ रहा है, कोई वाई आ रहा है। तो देखो, अभी आपके सामने में एक्स था, लेकिन अब क्या हुआ, वाई यहाँ आया और ये बाहर चले गया, तो क्या होगा,
अब अपोजिट आ जाएगा, कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, ये पहले तो सामने था लेकिन अब क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा वाई, ठीक है। तो इसका जो जियोमेट्री हो जाएगा, जो इसकी स्टीरियो हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इनवर्स, क्या हो जाएगी, इनवर्स, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, फिंकलेस्टन रिएक्शन, ठीक है, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीबीएसई में पक्का पूछता है, समझना। इसमें ये रिएक्शन बेसिकली बनाने की होती है, फ्लोरो एल्कीन बनाने की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, फ्लोरो एल्कीन बनाने की। अब अगर फ्लोरो एल्कीन बनाना है तो कोई ना कोई फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी आपके पास पहले से ही होना चाहिए, ठीक है ना। फ्लोरीनेटिंग रिएजेंट, एजेंट किसको बोलते हैं, जिसमें कि फ्लोरीन लगा हो, ऐसे मेटल, मेटलिक फ्लोराइड, जैसे AgF हो गया, HG2F2 हो गया, CoF2 हो गया, ये तीन ही आपके काम आएंगे, ठीक है। और एक चौथा भी होता है, उसको भी लिख देता हूँ मैं, उसका नाम है SbF3, SbF3, ठीक है, ये भी आपका फ्लोरीनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। अभी होगा क्या, अगर आप व्हेन एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन, ओनली क्या होगा, या तो आपके पास एल्किल क्लोराइड होगा, या तो देखो, या तो आपके पास मान लीजिए आपके पास CH3 CH2 Cl होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, CH3 CH2 Br होगा, यानी कि वेरिएशन इन दोनों में, ये दोनों तो होंगे ही होंगे, बस इन दोनों ये सब चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कहीं पे आपको दे दिया जाए कि केवल CH3Br दे दिया जाए, या CH3 ये दिया जाए, ठीक है। तो इसके बाद इससे क्या बनता है आपका, इससे क्या बनेगा आपका, पहले वाले से क्या बन जाएगा, देखो अब यहाँ पे आप क्या लगाओगे, कोई भी फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, लेट सपोज मैं AgF को लगा देता हूँ, और यहाँ पे भी AgF को लगा देता हूँ, तो बनेगा क्या, AgF में यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3 CH2F बन जाएगा, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और F, ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। इतनी होती है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दे रखे हैं इसमें, एग्जांपल में क्या है आपका, CH3 CH2 Cl प्लस AgF ये दे रहा है, प्लस AgCl, यहाँ पे भी क्या करेगा आपका, Ag यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे प्लस में क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा, AgCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, AgBr बन जाएगा। ये हैं दो रिएक्शंस, इससे पहले हम लोगों ने सेंडमायर रिएक्शन को किया हुआ है, ठीक है। अब देखना, बेसिकली क्या है ना कि जो NaI है, इससे पहले वाली रिएक्शन में आप लोगों ने देखा होगा NaI या KI है, ठीक है। जो NaI है ये एसीटोन में सॉल्युबल होता है, जबकि NaCl और NaBr सॉल्युबल नहीं होते हैं। जबकि और दूसरे केस में देखो, वाटर क्या होता है, वाटर में AgF सॉल्युबल है, लेकिन AgCl और AgBr क्या देते हैं, प्रिसिपिटेशन देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये AgBr और AgCl हैं, इनके क्या बनेंगे, PPT बनेंगे, क्या बनेंगे, PPT, प्रिसिपिटेट बनेंगे इनके, इसके भी PPT बनेंगे, ठीक है। ये थी आपकी दो रिएक्शंस, ओके, थैंक यू।